पहले ही दिन मैंने उसको अपना दुश्मन बना लिया। ये इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा और आजाद उसको यहाँ से नहीं भेजेगा, तुम्हें उसका पता है। और आज भी हमें हर तरफ अजीजा ही नजर आ रही है। मुबारक हो। देखो हनन, सुनो, इस मौजू को अब खत्म करना होगा। जो कुछ हुआ उससे वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इस बारे में बात करने का अब कोई भी फायदा नहीं है। मैंने अंदर बाबा से बात करने का सोचा था लेकिन उनका गुस्सा देखकर हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें भी इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो औरत अजीजा अकेली यहाँ पर आई, इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया और चली गई। अभी मैं जिंदा हूँ हनन, किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हें या हमारे बच्चों को कोई उंगली भी लगा सके। समझ गई तुम? ठीक है, तुम परेशान मत हो, अंदर चली जाओ, ठंड लग जाएगी। नहीं जहान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में इंतकाम की नजर होने नहीं दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। बाजी, रसू ने फैसला कर लिया है, शादी कल शाम होगी। फार्म हाउस पर इंतजामात शुरू करवा दिए हैं। जहां मेरी मौत हुई थी, तुम उस जगह मेरी पोती को दुल्हन बना के अपनी बहू बनाओगे नसो? अस्मा खाला, बराबर में झूले वाला है, क्या हम झूले के लिए जा सकते हैं? एलिफ को भी लेके चलेंगे। मैं भी जाऊंगी। मीरान, क्या हुआ? ये झूले बचपन में बहुत आया करता था मैं यहाँ पर। दादी जान मना किया करती थी लेकिन अब अस्मा खाला के साथ आ जाया करते थे। हम एलिफ को भी साथ लाना चाहते थे लेकिन डरती थी एलिफ गिर ना जाए, इसलिए अस्मा खाला उसे अकेले यहाँ लाया करती थी। एलिफ, काश तुम एलिफ को देख सकती। डर से सहमी हुई हुआ करती थी वो, और हम ये झूले एक दूसरे से तेज झूलने की कोशिश किया करते रहते थे। देखा तुमने, इतनी मुश्किल में भी एक खूबसूरत याद की वजह से तुम मुस्कुरा रहे हो। जिंदगी ने सिर्फ दुख ही नहीं दिए, ऐसे लम्हे भी थे जिनमें तुम बहुत खुश थे। आ जाओ अंकल। रियान, अंकल रुके। रियान, कहाँ जा रही हो तुम? यादें बना रही हूँ। Yalanlardan, dolanlardan.
daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer zerif birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Oradaki sevgililer kitna tez! Daha tez! कैप्टन थक गया है आप, चेंज करते हैं, आ जाओ। चलो हाजी तुम्हारी बारी, जब तक बच्चों का दिल ना भर जाए कहीं मत जाना, ठीक है? जैसा आपका हुक्म सर। Gülkhanım, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं अभी नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? आ जाओ चलना है हमें। आ जाओ जल्दी से। गुल के घर नहीं जाना आज। ठीक है हम लोग जा रहे हैं। ठीक है तो चलते हैं। तुम्हें दफा कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा? तुम्हारा दिल मुझे बता देता है ये सब। मुझे पता चल जाता है किस चीज से तुम्हें खुशी मिल सकती है। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है गाड़ी लेके सूप पीने चलें क्या? हाँ गर्म सूप अच्छा लगेगा। ठीक है उसके बाद नानी जान को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ गाँव की सैर करेंगे हम लोग, ठीक है? क्या ख्याल है उनके गाँव चलें क्या हम लोग? क्या वाकई? हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा।
कितनी खूबसूरत जगह है ये, जैसे इन घरों में कोई भी दुख या गम ना हो, सुकून हो। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि किसी वक्त में यहां एक बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। दादा को ये जगह पसंद नहीं। जब तुम्हारी दादी ने हमसे हमारा घर छीना था तो हम लोग यहीं आकर रहे थे। मैं अंदर जाकर देखता हूं, अगर कुछ खाने पीने के लिए हुआ तो मैं लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं तो कहीं और चल सकते हैं हम लोग। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें यहां ले आया था। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, सुकून है यहां। अम्मी ने तुमसे जो कुछ भी कहा, जानता हूं कि हमने ये शादी सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए की थी। पता नहीं इससे फायदा होगा भी या नहीं। मैं अम्मी के सामने तो ये सब कुछ नहीं पूछ सकता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को खत्म भी कर सकते हैं हलीफ। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो। मेरी नहीं, तुम्हारी चाहत ज्यादा जरूरी है। इस बारे में अभी बात नहीं करते, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं जानती हूँ कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम ठीक कह रही हो, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे रहूं ये मुझे भी नहीं पता। तुम मुझे नहीं बता पा रही, लेकिन उसे बता सकती हो। मैं तुम्हें इस तरह सोता नहीं देख सकता, मेरे लिए जानना जरूरी है। मैं कैसे बेटा? देखिए नानी जान, हमें आपकी फिक्र होती है, क्योंकि आप यहाँ अकेली हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें वहाँ पर। चले ना हमारे साथ, और क्या पता खाना खाने के बाद हम लोग गाँव भी चले। एक मिनट, आजाद भाई। रियान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मतलब एक हेल्प चाहिए तुम्हारी। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? एलिफ तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम एलिफ से बात करो, वो तुम्हें अपना दोस्त मानती है, तुम्हें बता सकती है। अच्छा, कहाँ हैं आप? फार्म हाउस पे हूँ। ठीक है, मैं एलिफ से बात करूंगी। वैसे कुछ देर पहले मीरान ने भी बात करनी चाहिए थी। असी से ने जो कुछ कहा तुमने सुना? यानी कि उनकी नजर में अब हमारी शादी की कोई अहमियत नहीं रही। शायद एलिफ मुझसे जुदा होना चाहती हो, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रही। तुम आकर उससे बात करो प्लीज। रियान, मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। ठीक है, मैं आती हूँ। आजाद भाई चाहते हैं कि मैं एलिफ से बात करूं, उन्हें लगता है कि एलिफ उनसे अपने दिल की बात छुपा रही है। ठीक है, कहां है वो, जाकर अभी कर लेते हैं बात। नहीं मीरान, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है, मुझे अकेले जाने दो। वो तुम्हें देख के खुश जरूर होगी, लेकिन कुछ कहेगी नहीं। रियान, तुम चाहो तो एलिफ से बात कर सकती हो, लेकिन मैं आसपास जरूर रहूंगा। अकेले ही जाऊंगी मीरान। चलो रियान, कहां है वो लोग मुझे रास्ते में बता देना, पर चलो। नानी जान, हम फार्म हाउस जा रहे हैं, तब तक आप तैयार हो जाइए प्लीज। ठीक है, जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। यो मेरे अल्लाह। आजाद भाई, आप लोग ठीक है ना? एलिफ कहाँ है? अंदर है। तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हाँ? उसे वहां तकलीफ मिली होगी, तब भी तुम उसे यहाँ लेकर आ गए हो, है ना? तुम अभी कुछ भाई, आप रयान, एलिफ,
हम तुम लोगों से बात करने आए हैं। यहाँ पर किस तरह आ गए आप दोनों? मैंने बुलाया था, मुझे लगा था कि रियान अकेली आएगी यहाँ। हाँ, वो अपने शौहर के होते हुए यहाँ अकेली आएगी। क्या तुम इस काबिल हो कि अपनी बहन को तुम्हारे पास छोड़ू मैं? तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी झूठी जिंदगी से बाहर निकलो आजाद। भाई आप यहाँ क्यों आए? लड़ने के लिए? मैं यहाँ इसलिए अफसरदा हूँ क्योंकि दादी जान अपने इंतकाम की जिद नहीं छोड़ रही और आप भी अपना गुस्सा आजाद पर खत्म नहीं कर रहे भाई। अलिफ, मैं वाकई समझने से कासिर हूँ। आखिर हुआ क्या है? हाँ, तुम्हें अचानक से हो क्या गया? मीरान, बस भी करो। अलिफ तुम मेरे साथ चलो, हमें कुछ बात करनी है। यहाँ मौसम ठीक नहीं है, बारिश आने वाली है। मेरा ख्याल है आप लोग अंदर जाकर बात कर लो, मैं यहीं वेट करता हूं। लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा। चलो अलिफ, हम अंदर जाकर बात करते हैं, आ जाओ जल्दी। भाई आखिर आप लोग एक दूसरे से इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? यहाँ तक कि एक साथ खड़े भी नहीं रह सकते आप लोग। लेकिन हम जो भी करें हमारी नफरतें बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी, है ना? हम कभी भी आम इंसान की तरह सलूक नहीं रख सकते। तो बताएं भाई, क्या करने आए हैं आप यहाँ? और तुम, क्यों की तुमने रेहान को कॉल? हम आपस में भी बात कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं पता रेहान, आजाद ये शादी खत्म करना चाहता है। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी जानती हूँ तो वो ये बात खुद नहीं कर सकेगा, वो मेरा इंतजार करेगा। मगर तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि आजाद भाई ऐसा कुछ सोच रहे हैं? अलिफ, आज उसकी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी दादी नहीं रुकती तो निकाह खत्म कर दो, अलग हो जाओ तुम लोग। और आजाद ने सुन लिया और अपनी अम्मी पर गुस्सा किया और फिर वो मुझे यहाँ ले आया और यही बात की कि हमने शादी अपने खानदान की सेफ्टी के लिए की थी, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकी। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम अलग हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आज़ाद मुझसे खुद बात नहीं कर सकता और मुझसे चाहता है कि मैं बात करूँ। तुम क्या चाहती हो बताओ? मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जानती हूँ कि दादी अपने इंतकाम की जिद खत्म नहीं करेंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ, दादी लोगों के बारे में नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद गर्ज हूँ ना। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रेहान, तुम बताओ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, क्या कर रहे हो तुम? चाय बना रहा हूँ। क्या ये चाय बनाने का वक्त है अभी? चाय बनाने का भी कोई वक्त होता है? बोर हो रहा हूँ, चाय पीने का दिल कर रहा है तो पीऊंगा ना। क्या चाय ऐसे बनाते हैं? हाँ, पानी तो अब तक तुमने डाला नहीं है, कुछ नहीं करना था तुम्हें, दो मुझे। मुझे क्या पता, मैंने कभी जिंदगी में चाय नहीं बनाई। तुम्हें आती है तो बना लो, देखता हूँ। ठीक है।
ऐसे बनाते हैं चाय। इसमें पानी बॉयल करके डालते हैं, इतना तो मैं भी जानता हूँ। तुम तो बड़े मास्टर बन रहे थे और तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो तुमने कर लिया था हाँ? तुम सिर्फ एलिफ को मेरे खिलाफ कर सकती थी और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह है ना? जो कुछ भी तुमने किया है सब वही करेंगे, तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? मेरी फैमिली को तुमने इतना नुकसान पहुंचाया लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। बस कर दो, तुमने रियान का बदला लिया है मुझसे इस तरह, क्योंकि रियान मेरे साथ है और रियान मुझसे मोहब्बत करती है। करती है प्यार, और ऐसे शख्स से प्यार करती है जिसकी जिंदगी में सिवाय झूठों के कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुख ही मिले उसे इस प्यार से। हमने तुम्हारी तरह सब कुछ बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि सबको एक साथ करने के लिए शादी की है। किसी से बदला लेने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ रियान के साथ किया मैं एलिफ के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, वो जब चाहे मेरे पास से जा सकता। बस करो, रहने तो चुप हो जाओ तुम, झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने सिर्फ एलिफ को मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है और मैं जानता हूँ बहुत जल्द तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। हट जाओ, लगता है तुम सब कुछ जानते हो। बस कर दे, बहुत हुआ एलिफ, बस करे भाई। भाई कम से कम आप तो ऐसा ना करें। कोई तो हो इस घर में जिसकी आंखों से नफरत ना नजर आए। एलिफ ठीक है, संभालो खुद। नहीं, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों के झगड़े से। भाई आप तो ऐसा ना करें, कम से कम रेयान के सामने तो दादी जान जैसा सलूक ना करें। मैं तंग आ चुकी हूँ भाई, आप नहीं देख सकते, हर वक्त उनकी आंखों से नफरत झलकती है। एलिफ, अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं। मैं दादी माँ की बदले की जिद से तंग आ चुकी हूँ। अपना दर्द खत्म करने के लिए किसी और को दुख देना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जब वो बदले को चुन के चली गई, मैं समझ गई थी भाई कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही इस मकाम पर लेकर आई है भाई, और सबसे बुरा आपके साथ किया। अलिफ, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। नहीं, मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। आप सबके सब किसी न किसी बात पर डटे हुए हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे भाई। जो कुछ माजी में हो चुका है उसका नुकसान हम क्यों भरें? अंकल और दिलजा आंटी, क्या हम लोगों को इस हाल में लड़ते झगड़ते देखना पसंद करते? क्या वो हमें इन हालात में देखकर खुश रहते? क्या वो चाहते कि हम अपने अंदर इतनी नफरतें पालें? क्या वो ऐसे ही सलूक करते जैसे दादी जान हमारे साथ करती हैं? क्या वो हमें तकलीफ पहुंचाते? अलिफ, ये सब इतना आसान नहीं है। आसान है भाई, आसान है। रयान को देखें, आप लोग कितना खुश होते हैं जब दादी जान पास नहीं होती। जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाती है ना? प्लीज अपने इस गुस्से को खत्म कर दें अब आप लोग, क्योंकि मैं अब कभी भी हार नहीं मानूंगी और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। अलिफ, अलिफ, रुक जा। ये दोनों शादीशुदा हैं, तुम मानो या तुम ना मानो, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। शुरुआत तुमने की थी नसु, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हर उस शख्स के साथ जो मेरे खिलाफ है। तैयार है सब कुछ? जी खानम।
तुम सब लोग मुझे जालिम कहते हो, लेकिन मैं नहीं हूं। मेरा ये हाल तुम सब की वजह से हुआ है, और अब हर शख्स मेरे अदलो इंसाफ का मजा चखेगा। हर किसी को उसके किए की सजा मिलेगी। मैंने बगैर कुछ किए सजा पाई, इसलिए तुम सब के साथ मेरा हिसाब बेबाक करना मेरा हक बनता है। मेरे बहुत करीबी फर्द से लेकर आखिरी फर्द तक तुम सब, क्योंकि वो दुनिया में किए गए अपने कामों को फरामोश कर बैठते हैं और सिर्फ वही याद रखते हैं जो उनके साथ हुआ। और मुझे याद है, और मुझे सब कुछ याद है कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ। मैंने 50 सर्द मौसम गुजार डाले, कैसे भूल सकती हूँ उसकी यखबस्तगी को। कुछ ही दिनों की बात है आयशा, फिर मियां बीवी बन जाएंगे हम और शादी एक खूबसूरत जगह पे करेंगे। मगर क्या हम यहाँ नहीं कर सकते नसू? हम दोनों ने एक दूसरे को यहीं पाया है, और मेरे लिए सबसे खूबसूरत जगह यही फार्म है। तुम उसी जगह चलोगे जहां आग लगाई थी, उतना ही चलोगे जितना आग लगाओगे। इंसाफ चाहते हो ना तुम? अपने दुश्मन से इंसाफ की उम्मीद है तुम्हें? तुम पूछो क्यों? तुम सोचोगे ये बहुत ज्यादा है। तुम भूल गए तुमने क्या किया था? तुम्हें सिर्फ यही याद रहा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, मगर तुम्हें सब याद आए। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी जो तुम भूल चुके हो। हिसाब बराबर करूंगी मैं, तुमसे वो सब ले लूंगी जो तुम्हारे पास है, मेरी पोती और मेरा इंतकाम। अगर इस शादी से हमारी फैमिली को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बेहतर यही है कि हम इस शादी को खत्म कर लें। एलिफ, आजाद भाई, ये वक्त खामोश रहने का नहीं है, कुछ तो बोले। रियान, मैं एलिफ को परेशान नहीं करना चलो चाहता। चलो रहने दो, मैं जानता हूं तुम क्या बात कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन तुम्हारे पास परेशान होती रहे, नहीं छोड़ सकता इसे मैं तुम्हारे पास। चलो, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। भाई, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। एलिफ, तुम अभी मेरे साथ चलोगी, बाद में देख लेंगे क्या करना है। भाई, एलिफ जो करना चाहती है अपनी मर्जी से करेगी, और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कह रहे हो, समझ गए क्या? मैं अपनी बहन और बीवी को यहाँ से लेकर जाऊंगा और बात खत्म। निरान, रुक जाओ, उन्हें बात कर लेने दो, ये उन दोनों की जिंदगी का मामला है, तुम्हारी नहीं। रियान, मैं अपना दिमाग बना चुका हूँ और अब किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने उनकी बात तक नहीं सुनी। मैं तुम्हें किसी भी बात पर आमादा करने के लिए मजबूर नहीं हूं, समझे तुम? रियान, बात खत्म हो गई है, हम चल रहे हैं। चलो एलिफ। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो एलिफ को। रियान, रियान, ये क्या कर रही हो तुम? बैठ जाओ, सबके सब बैठ जाएं। जब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती है। रियान, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बैठ जाए सब। हद है यार। ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो, लाइट चली गई है। तुम बैठो यहाँ पर, मैं कैंडल लेकर आता हूँ।
ढूंढने कहीं कोई कैंडल है क्या? पता नहीं कहां रखी है। हाँ ले आओ, अभी आ जाएगी लाइट। एलिफ, आजाद, खिड़की से दूर आ जाओ। ये क्या हो रहा है? खिड़की से दूर आ जाओ। आजाद, कुर्सी को खींचो, हिलना मत। एलिफ, 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 दरवाजा बंद है। एलिफ, ये काम नहीं कर रहा। एलिफ, एलिफ, वहां से हिलना मत। वहीं रुक जाओ एलिफ, वहीं रुको। तुम जाकर दरवाजा खोलो। रियान, ये क्या कर रही हो तुम? रियान, 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 रियान क्या कर रही हो? लॉक है दरवाजा, इसकी चाबियां कहाँ है? यही है, मैं लेकर आता हूँ। एलिफ रुको, आजाद, यहाँ चाबियां नहीं है। रियान, एलिफ, एलिफ, बाय, बाय, एलिफ, 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 हट जाओ वहां से। एलिफ, एलिफ, हट जाओ वहां से, बाहर आ जाओ। आजाद, एलिफ रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ वहीं पर। मैंने कहा वहीं रुको, तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं। बाय, बचाओ। नहीं, एलिफ, सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। बचो! आजाद, भाई, मदद करे भाई। एलिफ रुको। भाई मैं ठीक हूँ, आजाद की मदद करें। आजाद, रियान, 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 क्या तुम ठीक हो? रियान, आवाज दो मुझे। रियान, एलिफ, रियान, रियान, एलिफ, भाई, रियान, रियान, जिस जमीन पे मैं मरी थी उस पे तुम्हें पनपना नसीब ना हो नसू। तुम मेरी कब्र पर शादी का जश्न नहीं मना सकते। तुमने मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, मगर मैं तुम्हें अपनी कब्र खराब करने नहीं दूंगी। शायद तुम्हें याद आ जाए नसू, शायद इस बार तुम्हें याद आ जाए। चलो महमूद, रियान, भाई, भाई अब कहाँ है? एलिफ, हिलना मत वहाँ से, वहीं रुको तुम। आजाद, आजाद, प्लीज अपनी आँखें खोलो। रियान, कहाँ हो? आवाज दो मुझे। भाई प्लीज कुछ तो करें आप। भाई रियान कहाँ है? पता नहीं मुझे। रियान, आजाद, आजाद, तुम उधर ही रुको, हिलना मत वहाँ से। रियान, रियान, आजाद प्लीज अपनी आंखें खोलो। आजाद उठो। रियान, रियान, भाई, भाई मदद करें भाई। रियान, आजाद खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो। रियान, भाई उठो। रियान, भाई अब कहाँ है? आंखें खोलो रियान। मैं अभी आया रियान, मैं अभी आता हूँ।
भाई आजाद को देखें। अरे रुको यही, अरे कहीं मत जाना यहाँ से, मैं कुछ करता हूँ, निकल जाएंगे हम। भाई संभाल के। रुको मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ यहाँ। रियान, रियान। आजाद, आजाद खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? हम निकल जाएंगे, हम चले जाएंगे। आजाद। भाई आजाद, भाई आजाद, भाई आजाद, आजाद, भाई आजाद ये। आ, मुझे आजाद को भी बाहर निकाले, आजाद, आ, भाई छोड़े मुझे, आजाद, भाई, भाई आजाद। अलिफ, अलिफ क्या कर रही हो तुम? हाँ भाई, भाई आजाद अंदर है, हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये गलत बात है, हमें उसे बचाना होगा भाई, प्लीज। अलिफ, अलिफ होश में आओ प्लीज, बस मैं लेकर आता हूँ उसे, तुम यहीं रुको रेहान के पास, और ये लो फोन, किसी को मदद के लिए बुलाओ भी, जाओ जल्दी जाओ। रेहान, रेहान, रेहान तुम ठीक हो? आंखें खोलो प्लीज रेहान, आंखें खोलो प्लीज रेहान, तुम ठीक हो? रेहान, रेहान, भाई प्लीज जल्दी करें भाई, यही रहना तुम। आजाद, 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 आजाद होश में आओ जल्दी, आजाद उठो, उठो, उठो जल्दी, चलो इस जगह का मुझे एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन ये शादुलों का फार्म हाउस है, मैं बस इतना ही जानती हूँ। रेयान, रेयान प्लीज आंखें खोलो अपनी। जी आप कुछ देर इंतजार करें, गाड़ी रास्ते में है, मुझसे रास्ते में रहिएगा। ठीक है, जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें, जल्दी करें। रेयान, रेयान। हेलो, मगर कैसे फिरात? ठीक है मैं आ रहा हूं। फिरात, फिरात बेटा क्या हुआ है? हेलो, एलिफ। आजाद, आजाद। रियान, 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 तुम ठीक हो? मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हेलो, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ध्यान सांस लो प्लीज। उसकी सांसें चल रही हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। खामोश हो जाओ रियान, प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो रियान, आंखें खोलो।